हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी लस्सी। पंजाब में जैसे लस्सी बनाई जाती है ना, वैसी स्टे लेकर आई हूँ और इतनी यमी थी, सच में बोल रही हूँ, बहुत मज़ा आया मैंने इसे पीते हुए। मुझे बहुत टेस्टी लगी और मैंने इसे बहुत यमी यमी करके पी। तो यहाँ मैंने उसके लिए मैंने चाहिए था हमें दही। तो दही जो है वो होममेड भी ले सकते हो, बाज़ार से भी ले सकते हो, कैसे भी। और साथ में मैंने दूध लिया, यहाँ पर मैंने चीनी ली है। चीनी को मैंने पाउडर शुगर में तब्दील कर लिया है, मिक्सी जार में डाला है, मिक्सी चलाया और पाउडर बन गई, बस इसी स्टेप के साथ करा है। यहाँ मैंने लिया था रुआ अफ़ज़ा। अगर आप प्लेन चाहें बनाना तो वो भी बना सकते हैं, बट मैंने रुआ अफ़ज़ा वाली बनाई है तो बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे बहुत पसंद है ये, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके साथ मैंने क्यूब्स लिए हैं, जैसे आइस क्यूब्स लिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी क्यों लिए हैं मैंने। देखो, यहाँ सबसे पहले मैंने एक ग्लास दूध में चीनी डाल दी है, तो चीनी जो है मैं चार चम्मच डालूँगी, क्योंकि मैं दो ग्लास बना रही हूँ और दो ग्लास बना रही हूँ मैं। मेरा मिट्टी का ग्लास है, बहुत बड़ा ग्लास है वो, उसमें काफ़ी सारी लस्सी आती है, तो मैंने बस इसीलिए इसमें डाल दिया चीनी। अब मैंने दूध और चीनी को मिक्स करना है, मिक्सी जार में डाल दे के हम कवर करेंगे और उसके बाद हम ले जाएंगे अपने मिक्सी पे और इसे चलाएंगे। रुक, मिक्सी चलाने का तरीका मैं बता दूं, बहुत एकदम बहुत वन नंबर पे, खैर वन नंबर पे तो चलानी है, बट ये है रुक रुक के चलानी है, ठीक है। जैसे चलाएं फिर बंद करें, चलाएं फिर बंद करें, इस तरीके से हमें चलानी है। अब मैंने इसमें डाल दिया दही, जो मैंने घर में ही जमाया था, मीठा है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर खट्टा हो तो चीनी की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि लस्सी का मज़ा तो मीठे में ही आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे चला दिया और चलाने के बाद ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी से अभी से नज़र आने लगी है, बट हम इसमें एक काम और करेंगे मेरी स्टेप के साथ आपके लिए, तो आपकी लस्सी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ हमने आइस क्यूब लिए थे, उस आइस क्यूब को एक छोटे से जार में बर्तन में ले लिया और हमने आधा जो है हमारी लस्सी हमने निकाल ली और आधे में हम ये जो क्यूब्स डाले आइस क्यूब्स उससे चलाएंगे। इससे हमारा क्रीमी टेक्सचर और दुगना बढ़ जाएगा, ठीक है। बर्फ़ डालना ज़रूरी है, पानी ना डालें, ठंडा पानी ना डालें, पानी की तो क्वांटिटी डालनी ही नहीं है, बर्फ़ डालना है इसके, तभी आपकी लस्सी मज़ेदार बनेगी। देखिए, दिख रहा है ना, अभी इसे ही आपको नज़र आने लगी होगी कि मतलब झागी झागी सी बन रही है, कुछ क्रीमी क्रीमी सी बन रही है। तो जो बचा हुआ था दही वो भी मैंने इसमें डाल दिया और ऊपर से हमें रुआ अफ़ज़ा डाल देंगे। रुआ अफ़ज़ा की क्वांटिटी आपकी 3 से 4 चम्मच होगी, और अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, कम चाहें तो कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसमें चलाना है, इसको चलाया मैंने, वही रुक रुक के प्रोसेस करके मैंने चलाया और देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी सी तैयार हुई है, बट अभी स्टेप पूरा नहीं हुआ है। अभी हमने मिट्टी का जो हमने ग्लास लिया है उसमें ही हम इसको पोर करेंगे, और पोर करने के बाद मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में। चाहें तो ऊपर से और झाग उतार के जार में से डाल सकते हैं, क्योंकि ये दो ग्लास ही बनी है, तो आधा इसमें डाल दीजिए और आधा दूसरे ग्लास में डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ऊपर से डाल के ऊपर से गार्निश कर दीजिएगा, कोई भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, पिस्ता बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, केसर भी डाल सकते हैं। केसर वाली मैं आपको कुछ दिनों बाद आपको सिखाऊंगी, अभी तो मैं प्लेन वाली सिखा रही हूँ। और उसके बाद ये आप रख दीजिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए, आराम से रख दीजिए, और बहुत ही जब आप पियेंगे ना लास्ट में, यकीन करें बेगम किचन को आप भूल नहीं पाएंगे इतनी प्यारी रेसिपी के लिए, इतनी प्यारी लस्सी के लिए। थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया, आप वीडियो को एंड तक देखा। बाय बाय, टेक केयर।